हाय गाइस, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आप मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं सर्विस सेंटर रिव्यू करता आया हूँ। इंडिया में जो भी पॉपुलर फोन्स है, जो भी पॉपुलर फोन ब्रांड्स है, मैंने सबके सर्विस सेंटर रिव्यू कर दिए है। लिस्ट में बस एक ब्रांड मिसिंग था, गूगल। गूगल के पिक्सल्स मेरे पास यहाँ पर 3 हैं, इनमें से किसी एक फ़ोन को आज तोड़ूंगा मैं और गूगल सर्विस सेंटर लेकर जाऊंगा, क्योंकि फाइनली इंडिया में गूगल के सर्विस सेंटर आ गए हैं। खैर, उन्होंने टाई अप वगैरह किया है, ऑथराइज सर्विस सेंटर जो है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, एक दिख रहा है मुझे जो कि मेरे घर से थोड़ा सा दूर है। खैर, उधर जाके मैं शायद से आज हम पिक्सल 6a को तोड़ेंगे और फिर इसकी सर्विस हम करवाने जाएंगे। तो पिक्सल 6a पे हम टेस्ट करेंगे, ये जो है बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। अब इसकी स्क्रीन में ब्रेक करूंगा, इस पॉइंटेड वाले एरिया पे हम मारेंगे इंटेंशनली और तोड़ेंगे डिस्प्ले को। यार यही एक फेयर तरीका रहता है, इसलिए मैं करता हूँ। मुझे लाइक सीरियसली बहुत बुरा लगता है करते हुए, बट यार मेरे हिसाब से टेस्टिंग भी थोड़ी सी रियल रहनी चाहिए, तो इसलिए हम सब फ़ोन के लिए कुछ ऐसा ही करते हैं। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इसको मारना। ऐसे तो अभी तक तो ज़्यादा स्क्रैचेस भी नहीं आए हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इसकी। तो ड्यूरेबिलिटी का भी पता लग जाता है ऐसे यार सारे फोन्स की, इसलिए ये टेस्टिंग ओके रहती है। तो गाइज, इतनी बार मारने के बाद भी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, बट चल अभी तक ठीक रहा है और ये टूटा नहीं है इतनी बार मारने के बाद भी, तो ये काफ़ी क्रेजी बात है यार। तो डिस्प्ले टूट गई है और जो भी गूगल पिक्सल 6 यूज़ कर रहे हैं, आप मान के चलो ड्यूरेबिलिटी फैंटास्टिक है, इतनी बार मारने के बाद भी ये नहीं टूट रहा था। अब सर्विस सेंटर जाते हैं हम लोग और देखते हैं क्या कॉस्ट आती है इसको ठीक कराने की डिस्प्ले को और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। गाइस, गेस व्हाट, 18 दिन बाद ये पिक्सल 6 से ठीक होकर आ गया है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपने टीम मेंबर को भेजा था पार्थ को इस फोन को ठीक कराने के लिए, मैं खुद सर्विस सेंटर इसलिए नहीं जाता क्योंकि कोई ना तो कोई मुझे पहचान लेता है, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस मिल जाती है, तो फिर ऐसे रिव्यू का क्या फ़ायदा। लेकिन मैं आपको जॉब शीट दिखाऊं, मैं ज़रा स्क्रीन पे लगाता हूँ क्योंकि मुझे हार्ड कॉपी उन्होंने नहीं दी और इसके ऊपर बहुत सारी आप कह सकते हो लड़ाई भी हुई। क्या हुआ पूरी सिचुएशन तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा ही, बट जॉब शीट मैंने स्क्रीन पे लगा दी, आप इसको देख सकते हो। कॉस्ट थोड़ी हायर साइड है, इसके पीछे रीज़न है। एकदम शुरू से शुरुआत करता हूँ भाई। मैं सबसे पहले मैं सर्विस सेंटर की लोकेशन बता दूँ, मैं रहता हूँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर और ये जो सर्विस सेंटर हमने विजिट किया है ये साउथ दिल्ली के अंदर है, जो कि मेरे घर से काफ़ी दूर था। तो ऑथराइज सर्विस सेंटर की बात करें तो वो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्योंकि दिल्ली के साथ NCR भी लगता है जो कि नोएडा और गुड़गांव रहता है, तो नोएडा वाले लोगों के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, क्या तो वो जो है दिल्ली आएंगे सर्विस कराने क्योंकि वहाँ पर नहीं है कोई भी सर्विस सेंटर। वैसे गुड़गांव में एक है ऑथराइज सर्विस सेंटर। अब सर्विस सेंटर के बारे में बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैं कैसा एक्सपीरियंस था। अब मेरी टीम का ऐसा बताना है कि दूर से बिल्डिंग दिख गई थी कि हाँ यहाँ पर गूगल के फ़ोन ठीक होते हैं और सर्विस सेंटर का नाम था F1 इन्फो सॉल्यूशंस। और एग्जैक्टली आपने सही सोचा, ये एक थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है, गूगल का डेडिकेटेड सर्विस सेंटर अभी तक नहीं खुला है। ये जो थर्ड पार्टी वाला है ना, ये बहुत पॉपुलर है, ये जो F1 इन्फो सॉल्यूशंस मैंने बताया, यहाँ पर एप्पल के फोन भी ठीक होते हैं, बोट भी, बहुत सारी लाइक लिस्ट है पूरी। इनफैक्ट पूरी लिस्ट की फोटो भी खींची हुई है मेरी टीम ने, मैं जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और एक बात कहनी पड़ेगी कि सर्विस सेंटर की कंडीशन बहुत अच्छी थी, लाइक प्रॉपर इन्वायरमेंट अच्छा था। इनफैक्ट इन्होंने जो है एप्पल को एक डेडिकेटेड रूम दे रखा था। तो सबसे पहला स्टेप जो है टोकन जनरेशन का था, जिसके लिए यहाँ पर मशीन लगी हुई है, टोकन ले चुकी थी टीम। और एक बारी को मेरी टीम को लगा था कि बहुत टाइम लगने वाला है, बट अच्छी बात यह है कि जल्दी नंबर आ गया था, जल्दी एग्जीक्यूटिव ने हमें बुला लिया था कि क्या प्रॉब्लम है। और फिर सर्विस सेंटर वाले को हमने गूगल पिक्सल 6 से अपना दिखाया और उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि इस फोन के साथ ऐसा कैसे हुआ। तो हमने बोला कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे गाड़ी में से, फिर गाड़ी में से गिर गया, स्टोरी रियल लगी उन्हें। और फिर एग्जीक्यूटिव ने ना फोन को चेक करना स्टार्ट किया, उसकी बेसिक यही था कि भाई क्या ये फोन ऑन होता है कि नहीं। और उस टाइम पे फॉर सम रीजन डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिख रहा था, फोन ऑन ही नहीं हुआ। और फोन को थोड़ी देर और चेक करने के बाद एग्जीक्यूटिव ने पता है क्या बोला,
शायद से सिर्फ स्क्रीन टूटी हुई है, और अगर सिर्फ स्क्रीन टूटी हुई होगी गूगल पिक्सल 6a की तो 6-7 हज़ार रुपये में ठीक हो जाता है। बट पता है यहाँ पर ट्विस्ट क्या था कि फ़ोन को ये लोग B2X बॉम्बे भेज रहे थे, उधर से ही फ़ोन ठीक होके वापस दिल्ली आएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि गूगल और B2X का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। फिर टीम ने जो है फ़ोन को सबमिट करने के लिए दे दिया और उन्होंने बहुत सारी डिटेल मांगी और साथ में 850 रुपये भी लिए जो कि प्रोसेसिंग फ़ी थी। और ये जो फ़ी है ना मेरे को पर्सनली हायर साइड लगी है थोड़ी। और प्रोसेसिंग फ़ी देने के बाद एग्जीक्यूटिव का ये कहना था कि 24 आवर्स में ईमेल आ जाएगा कि आपके फ़ोन में क्या क्या खराब है और आप वहीं से पे कर सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो ईमेल 4 दिन बाद आया फोन को सबमिट करने के। वैसे ईमेल में ना इन्होंने क्लियरली लिखा है कि डिस्प्ले डैमेज है और साथ में वाइजर भी डैमेज है, और वाइजर ये होता है यार, मतलब ये जो बैक साइड वाला है। और सैड पार्ट तो ये है कि हमने इतनी बुरी तरीके से फोन को डैमेज कर दिया कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि बहुत सीरियस डैमेज है, इसीलिए वारंटी नहीं मिलेगी। एंड गेस व्हाट, हमें 12,650 रुपये देने पड़े, जो कि नो डाउट हायर साइड आपको लग रहा होगा, बट क्योंकि मल्टीपल डैमेज थे, सीरियस डैमेज था, तो मुझे जो है गूगल ब्रांड को देख के, क्योंकि डिफरेंट थर्ड पार्टी भी है, इन सब चीज़ों को अगर कंक्लूड करके बोला जाए तो मुझे जो है कॉस्ट ठीक लगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 13 मई को मैं इस फ़ोन की पेमेंट कर चुका था, और पता है फिर मुझे और 13 दिन रुकना पड़ा, वेट किया मैंने, और फिर मुझे ईमेल आया कि पिक्सल 6a मेरा ठीक हो चुका है। 13 डेज लगे। और अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इरिटेटिंग पार्ट जो मेरी टीम के साथ हुआ, जिसने बहुत टाइम खराब किया हमारा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, साउथ दिल्ली जाने में 1.5 घंटे लगे हमें, और उधर जाके हमने स्कैंड कॉपी दिखाई जॉब शीट की। हमने सोचा ठीक है यार, सब कुछ ही तो डिजिटल चल रहा है, इन्होंने हर एक चीज़ डिजिटल करी है, इनफैक्ट पेमेंट तक मैंने डिजिटल करी थी, तो स्कैंड कॉपी में क्या ही प्रॉब्लम होगी। और इस स्कैंड कॉपी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। पता है सर्विस सेंटर वाले ने हमें क्या बोला कि ऐसी स्कैंड कॉपी और फोटो तो कोई भी ले आएगा, हम किसी को भी फ़ोन दे दे। अब शॉकिंग बात यह है कि उस स्कैंड कॉपी पे जो है एग्जीक्यूटिव के साइन थे, पार्थ के साइन थे जो कि मेरा टीम मेंबर है। इनफैक्ट पार्थ ने सर्विस सेंटर में ईमेल दिखाया है जो उनकी तरफ से आ रखा है, उसने ये तक दिखाया कि देखो मैंने खुद पे किया हुआ है, उसका भी स्क्रीनशॉट था। और पता है एग्जीक्यूटिव ने एक ऐसी बात बोली जो सुपर अनबिलीवेबल थी। उसका ये कहना था कि इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट तो कोई भी ले आएगा, उनको ये लग रहा है कि हमने किसी की ईमेल एड्रेस हैक करी, उसके बाद हमने पेमेंट गेटवे भी हैक किया जिससे हमें स्क्रीनशॉट मिल सके, और हमें स्कैन कॉपी भी मिल गई, हमें सब कुछ मिल गया। फिर ऐसी सिचुएशन में कोई क्या ही करे भाई, इतना मनाने के बाद भी उन्होंने नहीं दिया फ़ोन, बहुत रिक्वेस्ट करी। उनका कहना है कि भाई हम नहीं देते बिना फिजिकल कॉपी के। तो मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मेरे से फिजिकल कॉपी गिर जाती है और अगर आके कोई वो फिजिकल कॉपी इनको दे देता है, तो क्या ये उनको फ़ोन दे देंगे? एक और वेरिफिकेशन लेयर ऐड करो इसके अंदर, ये तो मेरे को जो है बहुत ज़्यादा वियर्ड सिचुएशन लगी। फिर क्या ही करते, वापस नॉर्थ वेस्ट दिल्ली गए, 1.5 घंटा लगाकर जॉब शीट लेकर आए, फिर दोबारा 1.5 घंटे लगाकर हम वापस गए साउथ दिल्ली, और हमने अपना फ़ोन कलेक्ट किया, इसी में ही पूरा दिन निकल गया। और खैर अभी तक थोड़ी सी चेंज मैं आपको बता दूं, 18 दिन बाद जो है उस सर्विस सेंटर पे थोड़े से गूगल के स्टिकर्स इन्होंने ऐड कर दिए थे। अब फ़ोन रिपेयर रिव्यू की बात कर लेते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई नो डाउट जो बॉम्बे में इंजीनियर्स थे उन्होंने फैंटेस्टिक तरीके से फ़ोन ठीक कराया, क्योंकि थोड़ा सा बेंड हो गया था जैसे कि मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट क्योंकि सीरियस डैमेज था, मुझे जो है रिपेयर क्वालिटी एक्सीलेंट लगी है। एनी डे मैं बोल सकता हूँ कि गूगल के सर्विस जो है बहुत अच्छी मिलती है इंडिया में, एटलीस्ट फ़ोन तो बहुत अच्छे ठीक होके आते हैं। तो इन शॉर्ट हैप्पी एंडिंग हो गई। बट एक बात बताऊँ मैं आपको, मैंने जितने भी सर्विस सेंटर मतलब विजिट करे ना थर्ड पार्टी, मुझे समझ में नहीं आता इनका प्रिंटर क्यों ख़राब होता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये प्रिंट आउट निकाल के देते हैं जॉब शीट का, और फिर जॉब शीट ना लाओ तो। खैर अगर आपने कभी सर्विस सेंटर विजिट किया है तो नीचे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखना, बाकी लोगों की बहुत हेल्प होती है। आलस मत करना ज़रा सर्विस सेंटर रिव्यू लिखने में, अपना लिख देना ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।